हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आर पी ओम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल हेयर पैक, हेयर मास्क लेकर आए हुए हैं। बहुत ही नेचुरली है और ये गांव में खासकर हर जगह पाया जाता है, लेकिन शहरों में भी ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जहां पर सरसों की पिराई होती है वहां पर ये मस्टर्ड केक फली भी कहते हैं। इसका कलर इस तरीके से येलो भी होता है और ब्राउन भी होता है, और कोई कोई सभी जैसे कत्थे का कलर होता है, इस तरीके की भी खली होती है, इसे अपनाइए। ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें भर भर के प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हमारे बालों को ग्रोथ के लिए पाई जाती हैं यानी दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये बहुत ही नेचुरली है और ये 100% फायदा करता है। बाल पतले हों, कम घने हों, झड़ते हों, और जितनी भी आप बाहर की चीज़ें लगाते हैं उन सब से निजात पा लेंगे। सिर्फ एक हेयर मास्क काफ़ी है सारी बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मस्टर्ड केक को छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से तोड़ लेंगे और इसे एक जार में डाल देंगे। बस इस तरीके से ये हमारा येलो मस्टर्ड केक है जो पीली सरसों से बनता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसे हमने इस्तेमाल किया है तभी आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं, इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये हमारा मस्टर्ड केक इस तरीके से पाउडर फॉर्म में हो चुका है, बहुत ही अच्छा पाउडर बना हुआ। अब इसे हम छान लेते हैं। जितनी गांठें होंगी वो सब बाहर हो जाएंगी, और हमें अपने बालों के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है, 4-6 चम्मच जितने लंबे हैं उस तरीके से हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बन के रेडी है हमारा। यहाँ पर हम एक आयरन पॉट लेते हैं। जिनके पास आयरन पॉट नहीं है वो अपने सिंपल किसी बाउल में भी इसे इस पैक को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बाल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं पाउडर को, क्योंकि ये फैलता है, थोड़ा पाउडर बहुत ढेर सारा हो जाता है। और यहाँ पर हम डालेंगे ये मेथी दाना और कलौंजी का पाउडर है, तो इसे 1 चम्मच हम भर के डालेंगे। 1 से 2 चम्मच भी डाला जा सकता है ये। लेमन का भी यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है, जिन्हें नहीं डालना है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी और इसे पेस्ट बनाते जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी को जो सोखने का पावर बहुत तगड़ा होता है, तो जितना हम पानी डालते जाएंगे ये सोखता जाता है इससे, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तरीके से मिलाते जाना, और जितने इसकी थिकनेस चाहिए बस हमें अपना पेस्ट उतना रेडी कर लेना है। अभी ये गाढ़ा है थोड़ा सा, और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे, या ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं और सुबह लगाएंगे। जैसा आपके पास टाइम है उस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल परफेक्ट, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है ये। अभी रखने के बाद और ठीक होगा तो हमें नेक्स्ट टाइम थोड़ा पानी डाल के हमें और पतला करना रहता है। बिल्कुल परफेक्ट। अब इस तरीके से हम इसे ढक के रख देंगे और सुबह लगाएंगे। इसके फायदे बहुत ही अमेजिंग हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार इसे हम ट्राई करेंगे, अपने बालों पर अप्लाई करेंगे और इसके रिजल्ट हम अपने बालों पर देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये बनाने का तरीका बहुत ही पसंद आया होगा आपको, और जब इसे ट्राई करेंगे तो ये और भी पसंद आने वाला है।